शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले धरती एक बीज डाल दिया जाता है तो क्या करेंगे? अनेक बीज का अनेक गुणा के रूप में देने का कार्य धरती जैसे विशाल देने की प्रकृति जब इंसान अपने जीवन में धारण कर लेगा उस प्रकृति के साथ संबंध में जल तत्व कितना भी आप आपके संपर्क में लाओ 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगा? आग से डिस्कनेक्ट हो गया तो आपको शीतलता ही देगी। लोटे में डालो लोटे जैसा, घड़े में डालो घड़े जैसा, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना एडजस्टिंग पावर है। तो आज समाज में हमारे रिलेशंस ब्रेक क्यों हो रहे? वो जल तत्व जैसे हमारे गुण समाप्त होते चले जा रहे, कारण हमारे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे अंदर वो एडजस्टिंग पावर, वो समाप्त होने के कारण मैटपन का अभिमान अहंकार जो टकराव रहते हैं। तो क्यों ना हम उस जल तत्व के समान अपने अंदर ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, ऐसी शीतलता का गुण, ऐसे एडजस्टिंग पावर धारण करने। तीसरा तत्व वायु, जो कि हल्का हल्का वायु क्या करता रहता है? सब चारों तरफ बिखेरा हुआ है, हल्की चीज। आज थोड़ा सा हम अपने मन को झांक करके देखें, क्या मैं अपने मन को ऐसा हल्का बना सकती हूँ? किन किन बातों को हमने अपने मन में पकड़ रखा है? आज मेरा मन भारी है, वेट करके देखो कल जितना वेट था यहाँ आज भी मेरा वेट उतना है। हम भारी कहाँ से हो रहे? कहीं और से, फिजिकली एज इट इज है, भारी कहाँ से हो रहे? मन में न जाने किन किन पास्ट की बातों को लेकर के 10 साल पहले, 20 साल पहले, 2 दिन पहले, 8 दिन पहले मेरे शरीर के हिसाब से मैं आज संडे, आज हमारा 21 तारीख का दिन है, मैं 21 तारीख में हूँ। मन से मैं कहाँ हूँ? 4 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले। तो जब तक मेरे मन और तन में समन्वय नहीं बैठेगा, मेरे जीवन का सफर में एंजॉय नहीं, तो सफरिंग करते रहेंगे। सफर को सुहाना बनाना है तो दोनों का समन्वय बिठाना बहुत जरूरी है। तो वायु के समान अपने मन को हल्का करना, आकाश के समान बेहद, जिधर देखते हो कहते बड़ा दिल बेहद का दिल, ऐसा हम अपने दिल को बना दे जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की हमारी भावना, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो हमें मैसेज देती है, और सूर्य के समान, प्रकाश के समान हमेशा रोशनी देना। सूरज जल करके दूसरों को रोशनी देता है। तो ऐसे 5 तत्वों के 5 गुणों को भी अलग से तत्वों को हम धारण करने की जगह 5 तत्वों के इन 5 गुणों को धारण करके, इन गुणों का जब समन्वय बना करके चलेंगे तो हमारा जीवन अवश्य ही क्या बनेगा? सुखमय संसार। जो हम वर्तमान अपने जीवन को भी ऐसा श्रेष्ठ बनाएंगे, हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी एक ऐसा मैसेज, ऐसा संदेश हमेशा देने की प्रवृत्ति। तो इसलिए हमारे यहाँ जितने भी देवी देवताओं के मंदिर में आप जाकर के देखिएगा, कभी उनका हाथ यूं नहीं होता, हमेशा हाथ देने वाला। ये हमारे भारत की पुरातन संस्कृति है। आप और हम सबको ईश्वर ने जब बना करके भेजा था, लेने वाले नहीं देने वाले बना करके, कहीं ना कहीं देते देते हम खाली हो गए हैं। अब हम लेने की प्रवृत्ति हो गई है। अब परमात्मा का फिर से संदेश है हम सब आत्माओं के प्रति, इस धरती के हम सब चैतन्य सितारे हैं। हम क्यों ना आज के सभा में उम्मीदवार सितारे, सफलता के सितारे, अपने उम्मीदों को, हमारे संपर्क में आने वाले को उम्मीद जग जाए, हमारे संपर्क में आने वाले को सफलता मिल जाए, ऐसी भावना, ऐसी शुभकामना लेकर के चलेंगे तो अवश्य आज का जो एक कार्यक्रम का आयोजन का उद्देश्य अवश्य पूरा होगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आयोजकों का,
मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे महान विभूतियाँ, एक श्रेष्ठ विचारक। मैं देख रही हूँ 2 घंटे से लगातार एक संकल्प के साथ, शिव भावनाओं के साथ चक्र बन करके एक एक सितारे चमक रहे हैं। सामने से देखने सबकी चमक और बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं शिव विचारों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ।